नमस्कार दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे नाक के पॉलीपस के बारे में। नाक में रसौली हो जाती है, मांस बढ़ जाता है, तो नाक के पॉली के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताएं, पहले हमने एक वीडियो बनाया था नाक के विषय में, उसमें हमने पॉलीपस की भी दवा बताई थी, लेकिन उसमें हमने इस बात पर जोर दिया था कि हो सकता है आपके नाक का मांस ना बढ़ा हो और किसी और वजह से आपकी नाक अवरुद्ध रहती है और नाक बंद रहती है, उसका हमने ट्रीटमेंट का उसमें परामर्श दिया था। लेकिन आज हम केवल इस विषय में बात करेंगे कि जिन लोगों को ये कंफर्म है, उन्होंने पूरी जांच कराई है, उसके टेस्ट कराए हैं, तो उनको मालूम है कि उनकी नाक का मांस बढ़ा हुआ है, तो उनको किस दवा से ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर केवल नाक के पॉलीपस का ही इलाज बता रहे हैं, और कि नाक बंद रहने का एक मेरा पहले बना हुआ है, अगर केवल नाक बंद रहती है, कोई जांच नहीं कराई, तो पहले उस तरीके से ट्रीटमेंट कर लें, और जब ये कन्फर्म हो जाए कि नाक में पॉलीपस है, तो जो है आप इन दवाओं से ट्रीटमेंट करें। तो दवाइयाँ नोट कर लें, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, लेकिन इसको लंबे अरसे तक खाना है। और दोस्तों एक बात और बता दें कि हो सकता है आपका पॉलीपस जो है इन दवाओं से पूरी तरीके से डैमेज हो जाए और उसके बाद जीवन में कभी ना उठे। और ये बता रहा हूँ, बहुत से लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद फिर उस जगह से बढ़ जाता है, क्योंकि जो फॉल्ट अंदर रहती है वो बनी रहती है, और वो फिर उस तरीके से फूल जाता है, फिर उस तरीके से रास्ता ख़त्म कर देता है नाक का मांस। बहुत से लोग जलवा देते हैं उसको, लेकिन उसका स्थायी लाभ नहीं मिल पाता। मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जो नाक का ऑपरेशन करवा चुके हैं, उसके बाद भी उनको जो है फिर कुछ दिन के बाद हो जा रहा है। तो इस तरीके की दवा से ट्रीटमेंट करने से स्थायी लाभ होगा, और एक बार ठीक हुआ तो दोबारा नहीं होगा। लेकिन जो दवाइयाँ बता रहा हूँ, इसकी 30% काफ़ी समय तक यूज़ कर लेनी चाहिए, और जब पूरी तरीके से आराम हो जाए तो फिर उसकी 200% भी हर हफ्ते ले लेनी चाहिए, 1 महीने तक, और उसके बाद उसकी 1 एम 15 15 दिन पर ले लेनी चाहिए, एकदम जड़ से ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा ज़िंदगी में परेशान न करे। तो दवाइयाँ ये नोट कर लें। इसमें सबसे पहली दवा हम आपको बता रहे हैं कल्केरिया कार्ब, गंध सूंघने की क्षमता की हानि के साथ नाक का पॉलीपस, यानी कि सूंघने में नहीं आ पाता कुछ भी, किसी तरीके की महक, खुशबू, बदबू पता नहीं चलती। तो ये नुकसान होने के साथ, ये चीज़ न रहने के साथ आपको जो है नाक में पॉलीपस है, तो कल्केरिया कार्ब दवा लंबे समय तक 30% में खानी है। कल्केरिया कार्ब लगभग सभी पॉलीपस में बताई गई है, तो यहाँ पर भी सबसे पहली दवा के रूप में उसे ही बताया गया है। दूसरी है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम का क्या है, सारे नथुनों में फैला हुआ, जिस बगल रोगी लेटता है उस ओर की नाक का बंद होना, जुकाम का गलत इलाज किए जाने के बाद बड़े पॉलीपस का उत्पन्न होना, हरा सफ़ेद स्त्राव निकलना, नम मौसम में बड़ा हो जाता है, तो पॉलीपस की प्रमुख दवा ये भी है। दो दवा एक साथ भी चला सकते हैं आप 10-15 मिनट के अंतर से, गोली में बना करके बढ़िया शीशी में जेब में रखिए, और अपना 10-15 मिनट के अंतर से सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं। इसमें तीसरी दवा बताई है काली नाइट्रिक, सिर दर्द के प्रत्येक दौरे के साथ पॉलीपस का और अधिक तेजी से बढ़ना, नाक दाहिनी ओर झुकी हुई होती है, तो काली नाइट्रिक दवा यूज़ की जाती है। और उसके बाद है हेकला लावा, नाक का पॉलीपस चेहरा विकृत के साथ आँख के गोलों को ऊपर की ओर ढकेलता हुआ, आँख की पलकों को उलटते हुए, नाक को अवरुद्ध करते हुए, मुंह की ओर नीचे बढ़ते हुए, जिससे सांस लेना व चबाना कठिन हो जाता है, तो हेकला लावा दवा को इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद अंतिम दवा आपको बता रहे हैं एल्यूमिना, नाक की बाई ओर का पॉलीपस, और ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा बाई ओर ही होता है, तो बाई ओर की नाक का पॉलीपस है, तो एल्यूमिना दवा भी यूज़ की जाती है, एल्यूमिना से ही ठीक भी होगा वो। तो दोस्तों एल्यूमिना दवा नोट कर लें, नाक बाई ओर, नाक में बाई ओर पॉलीपस है, तो एल्यूमिना दवा से ही ठीक होगा, लेकिन कुछ अरसे तक लेना होगा, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में हिम्मत छूट जाए, नहीं काम कर रही, उसको एक अरसे तक यूज़ करना है, और फिर वो जब ठीक होगा तो एकदम से एकाएक दिन आपको किसी दिन लगेगा मेरा गायब हो गया, ठीक है हो गया। तो दोस्तों यही है दवाई जो हमने आपको बताई है नाक के पॉलीपस की, नाक में रसौली की,
नाक का मांस बढ़ जाने से आपको सांस लेने में जो अवरुद्ध हो जाता है, जो दिक्कत आ जाती है, वो इसी से ठीक होगी। अगर नाक में मांस बढ़ा है, रसौली है, पानीपस है, तो इन्हीं दवाओं से आपका ट्रीटमेंट होना है और इन्हीं दवाओं से धीरज से आप इलाज करते रहिए। और बहुत ज़्यादा महंगी दवा खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी सलाह है कि दवा को जो है आप लिक्विड फॉर्म में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से पैक करवा करके लाएँ 15 ml, और गोली वगैरह हमेशा घर में रखें, गोली शीशी, और गोली में बड़ा बड़ा करके खाएं, तो आपकी एक दो शीशी, एक शीशी जो है 2-4 रुपए की पड़ती है, और आसानी से आप खाते रहेंगे 4-6 दिन, फिर भर लीजिए, फिर खाइए, फिर भर लीजिए, फिर खाइए। बहुत महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सस्ता ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आपका नाक के रास्ता खुल जाए और पॉली पास है तो जल्द से ठीक हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।